सिवनी मालवा में जन्माष्टमी का पावन धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिरों में चलते भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए। सिवनी मालवा में यदुवंशी समाज की शोभा यात्रा में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधि शंभू सिंह भाटी ने बताया कि मिलजुल कर त्योहार मनाना सिवनी मालवा शहर की पहचान है। कार्यक्रम में हम समस्त मित्र मंडल के साथ शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। शोभा यात्रा चतरखेड़ा मोड़ से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई संकट मोचन हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। जगह जगह पर विभिन्न लोगों के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। बताएं, ये शोभा यात्रा यदुवंशी समाज की तरफ से निकली। पहले तो जन्माष्टमी के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी के उत्सव पर यदुवंशी समाज और सभी हिंदू संगठनों के द्वारा मिलकर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और उस शोभा यात्रा का चल समारोह शहर में सभी लोगों के बीच में से हमारे गुजरता हुआ जाएगा, हनुमान मंदिर पर समापन होगा। बीच में सभी लोग उसका स्वागत वंदन करते हैं के लिए खड़े हैं। हम लोग भी युवा साथी और हमारी पूरी मित्र मंडली यहाँ पर उपस्थित है ताकि स्वागत करें। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है तो पूरे शहर में और पूरे क्षेत्र में बड़ा हर्ष का माहौल है और बहुत ही अच्छा वातावरण है। और आज भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। सभी को बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं और बधाई। हम यूं ही भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर सब मिलकर इसको सद्भावना रूप से हम मनाते रहें, ऐसी हम सब लोगों से हमारी प्रार्थना है।